वो पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप सक्सेसफुली अप्लाई करते हैं तो आप एक सक्सेसफुली मतलब हायरिंग कमेटी के सामने एक सक्सेसफुल बंदे बन के उभरेंगे। ठीक है, पहली चीज़ मैंने क्या बताई है कि सबसे पहले आप उसको घर में जो टॉपिक आपको डेमो के लिए दिया है उसको एक रिटन फॉर्म में लिखें। ठीक है, उसके बाद उसको अपने शीशे पे मतलब रूम में अपने सामने उसको प्रैक्टिस करें क्लास अज्यूम करके। और सेकेंड थिंग, जब क्लास में जाएं तो स्टार्ट इंट्रोडक्शन के साथ करें, बच्चों के नाम पूछें एक फ्रेश माइंड के साथ ताकि बच्चे आपके एक एंट्रेंस के पेरेंट्स से मुतासर हों। ठीक है, और सेकेंड थिंग ये है कि उनसे इंट्रोडक्शन लेके 10 मिनट्स में आपने उस टॉपिक को ऐसे कवर अप करें कि जो कमेटी बैठी है वो भी आपसे इम्प्रेस हो। और वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्ट डेवलप करें उस टॉपिक को, जो समझेंगे वो आपके लिए ही बना हुआ टॉपिक है, मीन्स यानी उस पर इंटरेस्ट पैदा करें। ठीक है, और स्टूडेंट्स को इंगेज करें ताकि ये चीज़ आप ताकि हायरिंग कमेटी को ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट होती है कि वो जिसको भी हायर कर रहे हैं वो ये उनको आइदर उनको इंगेज कर रहा है कि नहीं। तो ये चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय के तौर पर टीचिंग के लिए हायर हो सकते हैं। और कॉन्फिडेंस डेवलप करें, कॉन्फिडेंस जैसे मैंने बताया मिरर के सामने। तो ये था आज का मेरा शॉर्ट टॉपिक, उम्मीद है कि इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मैं फिर किसी और टॉपिक के साथ आऊँगी। होप टू सी यू सून।